नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और उससे ज्यादा राहुल गांधी आज बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। और चर्चा ये इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन गए हैं या अमेरिका में किसी तरीके से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि इसके उलट। सबसे पहले राहुल गांधी के बारे में एक टैगलाइन बता देते हैं कि राहुल गांधी अब बचकाना नहीं, सैतानी हरकतें कर रहे हैं। ये सैतानी हरकतें ऐसे ही नहीं है। देखिए, पहले राहुल गांधी सिखों पर बयान देते हैं, पहले फिर कहते जी कड़ा यहाँ पर पगड़ी पहनना बहुत मुश्किल हो गया, सिखों का बड़ा मुश्किल है। इसका प्रभाव ये होता है कि सारे जो आतंकवादी संगठन थे या जो आतंकवादी वहां अमेरिका में रहते थे, वो राहुल गांधी के फेवर में आ गए और उन्होंने हाथों हाथ राहुल गांधी के बयान को लिया। और गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा है, उसने तो राहुल गांधी की तारीफों में कसीदे गढ़ने शुरू हुए। वही गुरपतवंत सिंह पन्नू शायद भूल गया कि 1984 में किन लोगों का नरसंहार कांग्रेस के वक्त में हुआ था, या यूं कहें कि कांग्रेस ने कराया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलता है तो लोगों की सोच भी बदलती जाती है। तो जैसे ही उनके फेवर में यह बयान आया, गुरपतवंत सिंह पन्नू सीना चौड़ा करके सामने आ गया और कहने लगा, देखिए सचमुच वहां पर युवाओं को अलग होना चाहिए और खालिस्तान के लिए हम सचमुच मांग कर रहे हैं अलग सिखों के लिए। एक बात। दूसरी बात ये, आज राहुल गांधी सबसे ज्यादा इस बात में चर्चा में आए कि राहुल गांधी ने वहां पर कई ऐसे देश विरोधी नेताओं से मुलाकात की, जिनमें से एक है इलहान उमर। जी हाँ, ये इलहान उमर अमेरिकी सांसद में सेनेट सांसद है और ये भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बड़ी जानी जाती है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कई दौरे किए, उसमें से जो पाकिस्तान समर्पित कश्मीर है उसमें भी दौरा किया और भारत के विरुद्ध में उन्होंने कई बयान दिए और यहां तक कहा था कि पाकिस्तान का ये हिस्सा पाकिस्तान का है। तो आप समझिए, ये सोमालिया मूल की निवासी है और ये यहां पर पाकिस्तान अमेरिका के अंदर अब राहुल गांधी के साथ यानी कि बगल में खड़ी दिखाई दे रही है, बाकायदा मुलाकात की है, कॉफी पी रही है। इसके बाद एक पत्रकार है मुश्किल फजल। ये मुश्किल फजल जो है, ये वो पत्रकार है जिन्होंने व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा था केजरीवाल की अरेस्ट को लेकर। जब सवाल पूछा तो यहां पर भी बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया था, यानी कि जो केजरीवाल का जो मसला था उसको अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस में उठाया जाना था। अब इसमें आते हैं, यहां पर ये सारी चीजें जब चल रही हैं, राहुल गांधी लगातार देश के विरोध में बयान दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि आपको ये बात बताए कि राहुल गांधी आखिर देश के खिलाफ कैसे बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी ने जब से अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, गले मिले हैं, तब से राहुल गांधी का पूरा एटीट्यूड बदल गया है और वो वही सब काम करने शुरू कर चुके हैं जो देश के अंदर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। यानी कि देश में साम दंड भेद अपनाकर सत्ता हासिल करना इनका लक्ष्य है, चाहे उसके लिए देश के खिलाफ कितनी भी आग क्यों ना लगानी पड़े। तो केजरीवाल भी यही कर रहे थे और अब राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। इनका मकसद केवल एक है और इनका रिमोट कंट्रोल भी एक है। कैसे है हम आपको ये बताएंगे। पहले एक बार जरा भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन लेते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इलान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है
कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। यह अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज फर्दर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप ऑफ एंटी इंडिया फ्रेंड्स। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेके पन्नू तक के और एलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये हैं वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चचा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये एलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन इंडिया, आई डजेंट वैल्यू स्किल्ड पीपुल, आई डजेंट हैव द फ्रीडम ऑफ फेथ, इंडियंस आज इन इंडिया देर आर हेटफुल पीपुल्स, इंडियंस डजेंट अलाउ द डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंडियन आइडेंटिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, इंडियन सोसाइटी इज कास्टिस्ट, इंडियंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर फॉर यूसी ओनली, और सेपरेटिस्ट और जो कश्मीर में टेरर के परपेट्रेटर थे उनका समर्थन है। अब यहां पर मैं एक बात थोड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा मित्रों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर का दिन दो चीजों के कारण विश्व और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। एक बहुत दुखद याद जुड़ी हुई है 11 सितंबर से 9/11, और इस समय संयोग से राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 9/11 के जो प्राइम एक्यूज थे खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद अट्टा, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाइएगा जिसने उनके पक्ष में सहानुभूति का बयान जारी किया हो, कोई टीवी चैनल दिखाइएगा जिसने 9/11 के बाद इन लोगों के पक्ष में सहानुभूति दिखाई हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइएगा जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो कि इंटेलिजेंस फेलोर था और सिक्योरिटी लैप्स था ना, बल्कि पूरे अमेरिका ने और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने फर्म रिजॉल्व किया। जॉर्ज बुश जो रिपब्लिकन थे उन्होंने कहा कि हम ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और बराक हुसैन ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे उस काम को अंजाम दिया। आज भारत में अगर उसके समकक्ष जो भारत की संसद पे हमला हुआ जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने
रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में, आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी। और ये राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, उठा क्या वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सोचिए ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है, देश को लेकर एक ऐसी सोच। आप बताइए किसी भी अमेरिका के नेता ने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो। दूसरा याद करते हुए दिल भर आता है, आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख, 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है। और 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी ने आज तक क्या कभी जाकर वहां शिकागो में गए हैं विवेकानंद के उस हॉल में? आज 11 सितंबर है, अगर इस प्रेस को सुनने के बाद भी वो विवेकानंद जी के की उस चीज के स्मरण में एक वक्तव्य जारी कर दें तो मैं इसको बहुत बड़ी उनकी उदारता मान लूंगा, क्योंकि यह बहुत साफ है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानी, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य, आप सारे लोग हैं। आपने सुना होगा सुधांशु त्रिवेदी ने पूरा आपके सामने ये खुलासा कर दिया कि राहुल गांधी किस तरीके से देश विरोधी बयानबाजी करने पर लगे हुए हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी को यह जरूरत क्यों आन पड़ी है कि वो देश से बाहर अमेरिका में जाकर देश विरोधी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल लोगों से मिले, आतंकवादियों से मिले और देश के खिलाफ लगातार बयान दे, वो भी ऐसे वक्त में जब वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति या छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, अब लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो लगातार देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी इतिहास हो जाएगा भारत के अंदर के एक पहला लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी वो उस पार्टी से आता है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने 60 साल राज किया है और वो देश के ही खिलाफ आज अमेरिका में जाकर बोल रहा है। और बहाना है वहां की यूनिवर्सिटीज में वहां पर जाकर इंटरव्यू देना और देश के खिलाफ लोगों से मुलाकात करना। तो आप समझिए कि राहुल गांधी अब बचकाना नहीं शैतानी हरकतें कर रही हैं। तो अब आपको बताते हैं ये सारा मामला है क्या। दरअसल एक बहुत ही जबरदस्त आदमी है जो अमेरिका और चीन की फंडिंग से, अमेरिका और चीन के इशारे पर दलाल है ये, और इसका नाम है जॉर्ज सोरेसिस। ये जॉर्ज सोरेसिस वो आदमी है जिसने न्यूज क्लिक यानी कि भारत के अंदर खबरों का एजेंडा चलाने के लिए पूरी फंडिंग देश के अंदर की थी। और ऐसे दलाल पत्रकार जो बिके हुए पत्रकार थे बेहद शर्मनाक हरकतें करते हुए इनके इशारे पर काम कर रहे थे, यानी कि खबरों में देश के खिलाफ माहौल बनाना। अब हम आते हैं इस पे आगे। देखिए राहुल गांधी को लोकसभा चुनावों से पहले पूरी फंडिंग इसी तरीके के लोगों से हुई थी, यानी कि जॉर्ज सोरेसिस इस पूरी फंडिंग को कर रहा था। सबसे पहले यहां पर लोकसभा चुनावों से पहले चुनावों को प्रभावित करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जॉर्ज सोरेसिस ने $100 अरब की रकम रखी थी। $100 अरब इन्होंने यहां पर भारत की जो राजनीति है उसको उथल पुथल करने के लिए खर्च करना था, लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ाकर $200 अरब कर दिया गया। और ये जो $200 अरब जो हुआ इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हो गई कि किसी भी तरीके से साम दंड भेद हो सब कुछ खरीद कर, सबको खरीद कर एक तरीके से देश के अंदर अस्थिरता पैदा की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। अब इसमें आगे चलते हैं।
कि जैसे ही यहां इन्होंने ये कुछ एनजीओस के नाम हम आपको बताते हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसके बाद डीप स्टेट और इसके बाद ओमी डॉयनर नेटवर्क, यानी कि इस तरीके की एनजीओ के थ्रू ये देश के अंदर पूरा पैसे की फंडिंग करते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके के चुनावों को प्रभावित कराने के लिए ये इसी तरीके से पैसों को दूसरे देशों में, मुल्कों में जाकर ये फंडिंग करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में श्रीलंका का ये हाल हुआ, इसके बाद बांग्लादेश का भी ये हाल हुआ। इन सब के पीछे यही दलाल हैं और यही अमेरिका और चीन के इशारे पर जगह जगह जाकर इस तरीके के जो वहां पर विपक्ष के लोग होते हैं उनको कैच करते हैं और एक माहौल खड़ा करते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनकी कठपुतली है और इनको एक बहुत बड़ा पैसा देते हैं बाकायदा उन खबरों को सबसे ज्यादा चलाने के लिए। हमारे यहां पर भी ये हुआ है, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अगर देखें तो पिछले दिनों जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तब से लेकर अब तक खबरें कुछ इस तरीके से प्रसारित और प्रचारित होने लगी कि कहीं पर भी जो भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को डाउन किया जाए और जो दूसरा विपक्ष के जो लोग थे उनकी आवाज को बुलंद करके उनको अप पर लाया जाए, ऐसा ही यहां पर हुआ। आज अगर अखिलेश यादव, कल तक जिस अखिलेश यादव की कोई खबर नहीं छपती थी, कहीं बोलता नहीं था, आज वो अखिलेश यादव अगर एनकाउंटर बदमाशों का भी होता है तो उस पर भी बोलता और वो भी खबर कई दिनों तक देश के अंदर चलाई जाती है। आज अगर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर देश के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं ये बयान ऐसे ही नहीं है, ये राहुल गांधी की दिमाग की उपज नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के लिए विदेशों के अंदर उनके सेम अंकल यानी कि सेम पित्रोदा जो है वो फील्डिंग लगाते रहते हैं और उनकी जब फील्डिंग वहां पर सज जाती है तो राहुल गांधी को वहां पर बैटिंग करने के लिए बुलाया जाता है और ऐसी बॉलें फेंकी जाती हैं कि राहुल गांधी हर बॉल पर छक्का ही नहीं मारते, स्टेडियम पार कर देते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा देश के खिलाफ बोला जाए, एक देश का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर विदेश में जाकर देश के खिलाफ जहर उगलेगा तो इससे बड़ा टू मच कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ही आदमी, हमारे ही धरती से पैदा हुआ, हमारे ही राजनीति के पैसे पे पला बड़ा, हमारे यहाँ पर बोफोर्स जैसे घोटालों का पैसा खाकर इस पार्टी के लोग इतने पन पे, और आज राहुल गांधी जिस तरीके से ये बयान दे रहा है सचमुच उनकी रगों में जो जहर दौड़ रहा था देश के खिलाफ वो सामने आ रहा है। कोई पागल भी आदमी जाकर अपने देश के खिलाफ नहीं बोलता है और भारत जाता है तो भारत माता की जय बोलता है, लेकिन ये शख्स बचकाना हरकतें नहीं करता, ये पागल मानसिक रूप से आप समझिए ये किस तरीके से विक्षिप्त हो चुका है कि देश के बाहर जाकर आज ये भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन है देश के अंदर। ये पहला मामला है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे पद पर बैठकर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, लेकिन बेहद शर्मनाक है और देश को आज शर्म आ रही है उस कांग्रेस पर जिसका राहुल गांधी नेता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है, दरअसल ये बहुत लंबे समय से पक रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इसको इतना पका दिया गया कि जो 200 अरब डॉलर जो जॉर्ज सोरोस ने एशिया के अंदर भारत को खास तौर पे भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स थी, जो सरकार थी, उसको हिट करने के लिए जो ये काम किया है, ये सचमुच जॉर्ज सोरोस के लिए, उसके आकाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन देश के लिए और राहुल गांधी के लिहाज से ये बहुत शर्मनाक काम है। लेकिन अभी ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देश के लोगों को जागना होगा, देश के उन लोगों को जरूर सोचना होगा जो देश से प्रेम करते हैं और भारत माता की जय बोलने में विश्वास करते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।